हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग. माय नेम इज अभित मिश्रा. आई एम योर जी एजुकेटर और आप देख रहे हैं हमारा करंट अफेयर सेशन. आपका मोस्ट वेलकम. आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और नहा धो के हमारा सीए एंजॉय करेंगे सुबह सुबह. सुबह सुबह नहाना भी यार बहुत, मतलब अपने आप में बहुत एक अच्छी चीज़ है. आप नहा धो लेते हैं तो आपका माइंड फ्रेश होता है और चीज़ें माइंड में घुसती हैं, तो ट्राई करिएगा. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग. चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन. और क्या क्या पॉइंट्स हमारे पास है वो आपको हम दिखाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग अपनी न्यूज करेंगे रिपोर्ट से स्टार्ट, रिपोर्ट एंड इंडिसेस. उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? उसके बाद हम लोग करने वाले हैं अपॉइंटमेंट डिजाइन की, बिजनेस इकोनॉमी, नेशनल न्यूज, स्टेट लेवल न्यूज, एमओयूज, एग्रीमेंट, समिट मीटिंग, डायलॉग, बुक्स एंड ऑथर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज, एक्स्ट्रा हाईलाइट और एमसीक्यूज रिवीजन. ये जो एमसीक्यूज रिवीजन है ये हम कल के न्यूज से करेंगे. कल जो हमने पढ़ा है उसको, मतलब हम बात करेंगे कि आपको वो याद है कि नहीं याद है, देखने के लिए. चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस और शुरुआत करते हैं अपने सेशन की. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको. गुड मॉर्निंग भैया. सब लोग अच्छे रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, आगे बढ़ें, तरक्की करें और हमको मिठाई उठाई भेजते रहें. चलिए शुरुआत करते हैं गाइस अपने सेशन की, लेकिन स्टार्टिंग करेंगे हमेशा की तरह अपने मोटिवेशनल कोट के साथ. और हमारा मोटिवेशनल कोट क्या है एक बार मैं आपको दिखाता हूं ठीक से. देखिए क्या लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड हैव बीन अकम्प्लिश बाय पीपल हु हैव कीप ट्राइंग व्हेन देयर सीम्ड नो होप एट ऑल. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सिंपल सी लैंग्वेज में कि दुनिया में सभी महत्वपूर्ण चीजें ये वो लोग करते हैं जो लोग हमेशा ट्राई करते हैं. हो सकता हो कि आशा की कोई उम्मीद ना हो, हो सकता हो कि चारों तरफ निराशा हो, लेकिन जो लोग अपना होप नहीं खोते हैं, हमेशा ट्राई करते रहते हैं, वही कुछ अचीव कर पाते हैं एक ना एक दिन. याद रखना हमेशा इंतजार करने वालों को वही मिलता है जो ट्राई करने वाले छोड़ देते हैं करके ट्राई, है ना. तो दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो लोग कंप्लीट करते हैं जो कि ट्राई करते हैं. तो कहने का मतलब यह गाइस कि आपको अपना होप कभी नहीं छोड़ना चाहिए, आपको हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए, आपको हमेशा लगे रहना चाहिए. क्विट तो कायर करते हैं, क्विट जो होता है ना, क्विट वो कायर लोग करते हैं, जो डरपोक लोग होते हैं, लूजर्स होते हैं, जो किसी को फेस करने की जिनके अंदर क्षमता नहीं होती, जो हमेशा बहाने बनाते हैं. क्या वो आप हैं? आप बिल्कुल नहीं, आप रॉकस्टार हैं. तो लाइफ में कभी हमें बहाना नहीं बनाना, प्रॉब्लम सबके साथ में, सबकी लाइफ में, लेकिन हमें लगे रहना है, कंटिन्यू रहना है, आगे बढ़ना है और सिलेक्शन लेना है. चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गाइज. अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी है, मुझे फॉलो करना है, तो मैं इंस्टाग्राम पे हूं. आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरी आईडी है. ये मेरा फेसबुक का पेज है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है. टेलीग्राम चैनल जिन बच्चों को पीडीएफ वीडीएफ चाहिए तो ये ज्वाइन कर लीजिए, GYFD सर. और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 2 only text. अगर आपको टेक्स्ट करना है, कोई बात करनी है, तो आप इस पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, कॉल नहीं करना है, ठीक है. तो ये पॉइंट आपके सामने है. आइए बात करते हैं आगे और शुरू करते हैं अपना सेशन. और स्टार्टिंग करेंगे एक रिपोर्ट और इंडिसेस से जिसने हमको बताया कि हमारे देश के 30 शहरों में पानी की कमी होने वाली है. पानी की कमी होने वाली है. देखिए तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड फंड वाटर रिस्क फिल्टर रिपोर्ट, वर्ल्ड वाइड फंड वाटर रिस्क फिल्टर रिपोर्ट. और इस रिपोर्ट में क्या बोला गया, आइए बात करते हैं इसके बारे में. चलिए बात करते हैं इसके बारे में. तो अबाउट 30 इंडियन सिटीज, लगभग 30 शहर, विल फेस इंक्रीजिंग वाटर रिस्क इन द नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स अकॉर्डिंग टू न्यू रिपोर्ट रिलीज बाय द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर द नेचर. तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने एक रिपोर्ट निकाली है. रिपोर्ट का नाम क्या है? रिपोर्ट का नाम आपको दिखाते हैं फिर से एक बार. रिपोर्ट का नाम है वाटर रिस्क फिल्टर रिपोर्ट. ठीक, किसने निकाला है? वर्ल्ड वाइड फंड नेचर ने. इसने क्या बोला है कि 30 शहर हमारे देश में ऐसे हैं जहां पर पानी का जोखिम जो है उसमें वृद्धि होगी अगले कुछ दशकों में. ये 30 शहर में जो फेमस शहर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जयपुर, अमृतसर, इंदौर, श्रीनगर, बेंगलुरु, आपको ये नाम याद नहीं रखने, आप नंबर में आ सकते 30 शहर. 30 शहर ऐसे शहर होंगे जिसमें पानी का जोखिम होगा, पानी का संकट होगा. और इन सारे शहरों में टॉप किसने किया है? तो इन सारे शहरों में टॉप पे है जयपुर. आपको दिखाते हैं. Of these cities, Jaipur topped the list. It was followed by the Indore, then Thane, Mumbai, Kolkata, and the Delhi. आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये सब शहर के नाम याद करने की जरूरत नहीं है, आप याद भी नहीं कर पाओगे. आप सिंपल याद कर लो कि वर्ल्ड वाइड फंड नेचर की रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि हमारे देश के 30 शहरों में अगले कुछ दशकों में पानी का जोखिम होने वाला है. और इन 30 शहरों में टॉप पे कौन है? जयपुर. जयपुर में सबसे ज्यादा जोखिम है. इतना न्यूज है, केवल इतना ही पढ़ना है आपको जो हमने यहां पर बात कर ली. जी हाँ, वाटर क्राइसिस की हम बात कर रहे हैं, तो याद कर लीजिएगा. एक पॉइंट हमारा ये है. आगे बढ़ेंगे गाइस और आपको बताते हैं अबाउट WWF.
तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। तो वर्ल्ड वाइड फंड नेचर का हेडक्वार्टर ग्लैंड में है, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट है प्रिंस फिलिप, ड्यूक ऑफ द एडिनबर्ग, प्रिंस फिलिप। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड फंड नेचर की बात हमने कर ली, रिपोर्ट की बात हमने कर ली। 30 शहरों में पानी का जोखिम है, वाटर क्राइसिस है, जिसमें जयपुर टॉप पे है। तो पहली न्यूज हमारी कंप्लीट। सिंपल सिंपल लैंग्वेज में करंट अफेयर्स में केवल उन मुद्दों को चुनिए, उन पॉइंट को चुनिए जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके अलावा कुछ आपको पूरी कहानी ना पढ़नी है ना लिखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं न्यूज नंबर टू की। और यहाँ गाइस देखो, आप लोगों ने देखा कि कोविड 19 जब आया तो हमारे देश में हमारी गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा एमएसएमई पर एमएसएमई को प्रमोट किया। और एमएसएमई को क्यों? बिकॉज गाइस अगर कभी देश में रिसेशन आता है, और आपको पता है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी को चला रहे हैं 10 या 11 बड़े बड़े इंडस्ट्रियल घराने, अगर मंदी आई और ये 10 या 11 कंपनी डूब गई तो हमारा देश डूब जाएगा। लेकिन लेकिन एमएसएमई पर रिसेशन का उतना इंपैक्ट नहीं पड़ता है। और गाइस कहा भी गया ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है, तो एमएसएमई हमारे देश में ज्यादा होनी चाहिए। तो इसको देखते हुए हमारे देश में ट्रांस यूनियन सिविल एक कंपनी है, ट्रांस यूनियन सिविल एक इंडेक्स लॉन्च करेगा, एमएसएमई क्रेडिट हेल्थ इंडेक्स। ये देखो ये नाम है, एमएसएमई क्रेडिट हेल्थ इंडेक्स, जो कि हमें बताएगा, हमारी गवर्नमेंट को बताएगा कि हमारे देश में एमएसएमई का हेल्थ कैसा है। हेल्थ का मतलब कि एमएसएमई कैसा वर्क कर रही है, प्रॉफिट में है, लॉस में है। तो ट्रांस यूनियन सिविल और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ये दोनों मिलकर एमएसएमई क्रेडिट हेल्थ इंडेक्स लॉन्च कर रहे हैं। आइए बात करते हैं इसके बारे में, देखिए क्या पॉइंट हमारे सामने है। तो ट्रांस यूनियन सिविल पार्टनरशिप कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स एंड द प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन इनके साथ, और ये दोनों मिलकर एमएसएमई क्रेडिट हेल्थ इंडेक्स लॉन्च कर रहे हैं, ये इंडेक्स लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इससे क्या होगा? इससे ये मालूम चलेगा हमारी सरकार को, हमारे पॉलिसी मेकर्स को, हमारे बैंकों को, हमारे एमएसएमई मार्केट पार्टिसिपेंट को, कि हमारे देश में एमएसएमई सेक्टर का हेल्थ कैसा है। हेल्थ का मतलब बेटा वही बात हो रही है कि एमएसएमई कोई इंसान तो है नहीं, बीमार हो जाएगी, मतलब बीमार का मतलब एमएसएमई बीमार है का मतलब लॉस में। तो हेल्थ ऑफ द एमएसएमई सेक्टर का मतलब कि हमारे देश में एमएसएमई कैसा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, क्या इनको दिक्कत है, वो सारी बात। तो क्या क्या पॉइंट याद रखना है? ट्रांस यूनियन सिविल, ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स एंड द प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ये लोग मिलकर एक इंडेक्स लॉन्च कर रहे हैं, नाम क्या होगा? एमएसएमई क्रेडिट हेल्थ इंडेक्स। और इसका ऑब्जेक्टिव होगा हमारे देश में गवर्नमेंट को, हमारे देश में पॉलिसी मेकर्स को, बैंकरों को, ये बताना कि एमएसएमई का हालचाल क्या चल रहा है देश में। तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया। अगर अगर न्यूज क्लियर होती रहे तो प्लस वन करिएगा। जी हाँ अरविंद, जी हाँ, ट्रांस यूनियन सिविल और सिडबी ने भी आपस में एग्रीमेंट किया था सक्षम प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन दी आपने। तो गाइस अगर आपको क्लियर होता जाए तो प्लस वन करते जाइएगा, ठीक है, हम आगे बढ़ जाएंगे। चलिए तो दूसरी न्यूज यहाँ पे कंप्लीट, आगे बढ़े। और अब आपको यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट्स एंड द प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की बात करें, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्टेट्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन कौन है? राव इंद्रजीत सिंह। और इनका निर्वाचन क्षेत्र कहां से है? तो ये आते हैं गुड़गांव हरियाणा से, ये भी याद कर लीजिएगा, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इस। और अबाउट द ट्रांस यूनियन सिविल की बात करें, इसको 2000 में फाउंड किया गया था, इसके एमडी हैं सतीश पिल्लई और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। तो ये भी पॉइंट हमने आपको बता दिया, वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो एक न्यूज हमारी यहां पर ये हो गई, आगे बढ़े और अब आपसे बात करेंगे तीसरे न्यूज की। और तीसरी न्यूज जो हमारी है वो है एचडीएफसी बैंक को लेकर। तो एचडीएफसी बैंक इज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया। तो अभी एक रिपोर्ट आई है, बेसिकली गाइस एक कंपनी है एशिया मनी, कंपनी का नाम क्या है? एशिया मनी। तो एशिया मनी ने एक सर्वे कराया कि भारत की फाइनेंशियल सेक्टर में मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी कौन सी है। आंसर क्या आया? एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक इज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर इंडिया। आइए बात करते हैं इसके बारे में। अच्छा जगरूप सर, जी 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 मैं समझ गया। देखिए तो एचडीएफसी बैंक की बात करें तो इसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया। और ये पोल किसने कराया था? ये पोल कराया था एशिया मनी ने। तो एशिया मनी ने एक सर्वे कराया जिसमें एचडीएफसी बैंक को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं एज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया। तो एक पॉइंट आपके सामने ये हो गया, एशिया मनी, एचडीएफसी बैंक, मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान देने हैं। तो रिपोर्ट और इंडिसेस में तीन न्यूज हमने यहां पे कंप्लीट कर ली, कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अबाउट द एचडीएफसी बैंक, हेडक्वार्टर मुंबई, 1994 में इसे बनाया गया, इसके सीईओ नए नए अभी कौन है? शशिधर जगदीशन। और इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ठीक है, ये बात हो रही है एचडीएफसी बैंक।
आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए गाइस आपको थोड़ा सा यहाँ पे रिविजन हम करवाएंगे, आई होप कि कोई कॉन्टेंट शिफ्ट ना रहा हो। देखते हैं, देखिए तो इंडिया स्टैंड थर्ड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द ई वेस्ट एंड टॉप पे कौन है, चाइना। तो ई वेस्ट के मामले में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूटर की लिस्ट में इंडिया तीसरे पे है, चाइना टॉप पे है। ठीक, इसके अलावा इंडिया रैंक थर्ड अमंग द टॉप 10 कंट्रीज गेनिंग द फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड। तो इंडिया में भी फॉरेस्ट एरिया बढ़ा है और टॉप 10 कंट्रीज में इंडिया तीसरे नंबर पे है और टॉप किया चाइना ने। तो एक पॉइंट आपके सामने ये। और बात कर लें, 12th एडिशन ऑफ द एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, इंडिया को 168 रैंक मिला है, टॉप बाई डेनमार्क। और देख लीजिए, इंडिया रिटेन इट्स पोजीशन एज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द परचेसिंग पावर पैरिटी बेसिस 2017 और टॉप किया इसमें चाइना ने। तो परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से भी इंडिया तीसरे नंबर पे है, टॉप बाय चाइना। और इंडिया स्लिप टू 77th रैंक, मतलब इंडिया को 77th रैंक मिली है। हमारे स्विस बैंक में कितनी ब्लैक मनी है उसके हिसाब से और टॉप बाय यूके। तो एक 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 इंफॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं, एक रिविजन आपको हम दे रहे हैं। तो ये पॉइंट आपके सामने है, देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये रिविजन के पॉइंट है, सारे पॉइंट रिवाइज कर लीजिए, रिवाइज हो गया हो तो +1 कर दीजिएगा। अगर हो गया होगा इस तो +1 कर दीजिएगा रिवीजन। मतलब कि ई वेस्ट में इंडिया को तीसरी रैंक मिली है, फॉरेस्ट एरिया में भी इंडिया को तीसरी रैंक मिली है, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया को 168 रैंक मिली है, इंडिया रिटेन थर्ड पोजीशन एज द ऑन द पीपीई बेसिस फॉर 2017 एंड इंडिया को 77th रैंक मिली है स्विस बैंक में ब्लैक मनी रखने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस और आपसे बात करते हैं अब अपॉइंटमेंट की। रिपोर्ट और इंडेक्स वाला पॉइंट हमारा कंप्लीट और अब बात करेंगे हम अपॉइंटमेंट की। और यहां पर हम बात करेंगे मिस्टर एके गुप्ता। एके गुप्ता टेक ओवर एज द एमडी एंड द सीईओ ऑफ द ओएनजीसी विदेश। ओएनजीसी विदेश क्या मतलब, ओएनजीसी का वो बॉडी जो कि विदेश में काम करता है, मतलब फॉरेन में काम करता है। तो ओएनजीसी विदेश के एमडी सीईओ बन गए हैं मिस्टर एके गुप्ता। अपॉइंटमेंट है और बड़ा अपॉइंटमेंट है, देख लीजिएगा यहां पर। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर। तो मिस्टर एके गुप्ता द न्यू एमडी एंड द सीईओ ऑफ द ओएनजीसी विदेश टुक चार्ज। बिफोर दिस गुप्ता वॉज द डायरेक्टर ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो आपको यह पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं कि क्या थे पहले। मिस्टर ए के गुप्ता एमडी सीईओ अपॉइंट हुए हैं ओएनजीसी विदेश के। तो एक पॉइंट आपको हम ये बता रहे हैं, दूसरा पॉइंट याद कर लीजिएगा ये ओएनजीसी विदेश। ठीक है, आइए अबाउट द ओएनजीसी विदेश की बात करें। इसको 1965 में बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में, ओएनजीसी विदेश का। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब आपसे बात करेंगे अपॉइंटमेंट में न्यूज नंबर 2 की। और यहां पर हम बात करेंगे इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट की और कंट्री का नाम है आइवरी कोस्ट। तो आइवरी कोस्ट के जो प्रेसिडेंट हैं थे, मतलब है, उन्होंने फिर से आइवरी कोस्ट के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जीत लिया है। और इनका नाम क्या है, इनका नाम है अलासेन ओआटारा। अलासेन ओआटारा नाम थोड़ा सा ये सिंपल नहीं है इनका, लेकिन फिर भी हम याद कर लेंगे। तो अलासेन ओआटारा ये तीसरी बार आइवरी कोस्ट के प्रेसिडेंट बन गए हैं, इनका टेन्योर 5 साल का होने वाला। आइए बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, देखिए तो ये पहले से ही प्रेसिडेंट थे आइवरी कोस्ट के, नाम क्या है इनका, अलासेन ओटारा। इन्होंने तीसरी बार एज ए प्रेसिडेंट का खिताब जीत लिया है और 5 साल के लिए ये प्रेसिडेंट बने रहेंगे आइवरी कोस्ट के। आइवरी कोस्ट के नए प्रेसिडेंट, नए का मतलब क्या है, ये तिवारा बने हैं। इनका नाम क्या होगा, अलासेन ओटारा। 5 साल के लिए ये दोबारा तिवारा थर्ड टाइम ये प्रेसिडेंट बने हैं आइवरी कोस्ट के। गाइस इसके पहले मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन भी दी थी, मैं दिखाता हूं आपको। देखो आपको नाम पक्का याद होगा, हामिद बाका युको, है ना। ये पहले डिफेंस मिनिस्टर थे आइवरी कोस्ट के, इनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया था कुछ दिन पहले ही, कुछ दिन का मतलब 30th जुलाई 2020। आपको याद होगा पक्का, हामिद बाका युको ये प्राइम मिनिस्टर बने थे कुछ दिन पहले ही कहां के, आइवरी कोस्ट के। और अभी हमने किसकी बात कर ली, प्रेसिडेंट की। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा क्लियर। आगे बढ़ेंगे और आइवरी कोस्ट के कैपिटल के बारे में बात करेंगे। तो आइवरी कोस्ट की कैपिटल का नाम है यामो सोकोरो और करेंसी सीएफए फ्रैंक। तो थोड़ा सा मतलब यमराज याद कर लो, आइवरी कोस्ट यमराज, तो यमराज से तुम्हें कैपिटल याद हो जाएगा। ठीक है, और करेंसी आपके सामने है ही है। अब तुम लोग भी तो बच्चे ही तो हो ना यार, अभी कितने बड़े हुए हो और इतना टफ नाम कैसे याद कर सकते हो, है ना। लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं है, डर के आगे जीत है और आप जानते ही आगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। और यहां पर गाइस, यहां पर मैंने आपको 2 टेबल दिए हैं और इस दोनों टेबल में पिछले 3-4 महीनों में जो भी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट हुए हैं किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, उसकी पूरी लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे जेसिंडा अर्डन, ये प्राइम मिनिस्टर बनी है न्यूजीलैंड की, मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था। बिशर अल खाशवाने ये प्राइम मिनिस्टर बने जॉर्डन के, पढ़ाया मैंने आपको।
शेख मिशाल की बात कर लें, क्राउन प्रिंस बने हैं कुवैत के। नवाफ अल अहमद ये न्यू रूलर बने हैं कुवैत के। मोहम्मद हुसैन रोबले सोमालिया के क्या बने, प्राइम मिनिस्टर बने हैं। मॉक्टर उवाने बात करें ये माली के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। चांद संतोखी ये सूरीनाम के प्रेसिडेंट बने हैं। गुंडी जॉनसन आइसलैंड के प्रेसिडेंट बने हैं। तो ये सब पॉइंट हमने आपको बताए हुए हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा है। इसके अलावा भी एक लिस्ट है हमारे पास, तो ये आप लोग कसम खाइए कि आज याद कर लेंगे आप लोग। कसम, अब किसी कसम मतलब अपने अंदर से कसम खाइए, मतलब कि शपथ लीजिए कि हाँ कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, करंट अफेयर्स याद करना ही हमको आज, और ये तो जरूर याद करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, और अब बात करेंगे बिजनेस की, और बिजनेस में हम बात करेंगे ट्विटर की। देखिए गाइस, आपको पता है कि ट्विटर की बात करें तो इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ट्विटर को यूज ठीक से नहीं करते। मतलब मैं ऐसे लोगों को भी देखता हूं जिनको जिनको अपनी पोस्ट डालनी चाहिए ट्विटर पे, वो फेसबुक पे डालते हैं, फेसबुक पर। तो बेसिकली इसीलिए क्या हुआ है, ट्विटर इस बात को समझता है कि हमारा भारत महान। तो ट्विटर इंट्रोड्यूस आर्ट हाउस इन इंडिया टू हेल्प ब्रांड्स ऑप्टिमाइजिंग देयर कॉन्टेंट। मतलब ब्रांड का मतलब हो गया, फॉर मैं अपनी बात कर लेता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, या मैं किसी कंपनी की बात कर लेता हूं। तो अगर हमें हमें ट्विटर पे ये सीखना हो कि हमें कंटेंट कैसे डालना चाहिए और हमारे शब्द की जो लिमिट है उस लिमिट में कैसे अपने भावनाओं को व्यक्त करना है, तो उसके लिए आर्ट हाउस लॉन्च किया गया। किसने किया? ट्विटर ने। तो ट्विटर इंट्रोड्यूस आर्ट हाउस इन इंडिया टू हेल्प ब्रांड्स ऑप्टिमाइजिंग देयर कॉन्टेंट। आइए बात करते हैं इसके बारे में। देखिए यहां पर तो ट्विटर इंडिया इसने अनाउंस किया है दैट इट विल बी इंट्रोड्यूस आर्ट हाउस, बस ये याद कर लो, इन इंडिया, विच इज अ स्वीट। स्वीट का मतलब पूरा पैकेज ऑफ सर्विसेज टू असिस्ट ब्रांड्स इन ऑप्टिमाइजिंग द एंड क्रिएटिंग ट्विटर फर्स्ट कंटेंट। बात समझ आ गई? मतलब अगर मुझे ट्विटर यूज करना नहीं आता है तो मुझे कैसे यूज करना चाहिए, मेरे कंटेंट क्या होने चाहिए, मेरे मेरे फीलिंग्स 280 वर्ड्स में कैसे आने चाहिए, तो वो सब के लिए आर्ट हाउस हमारी हेल्प करेगा। और ये ट्विटर ने लॉन्च किया है इंडिया में। ट्विटर ने हालांकि आर्ट हाउस को और भी देशों में लॉन्च कर दिया पहले, तो इंडिया में ये अब लॉन्च हो रहा है। तो ट्विटर और आर्ट हाउस याद कर लीजिए, काम आपका हो जाएगा, काम आपका हो जाएगा। ठीक है, ट्विटर एंड आर्ट हाउस, ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, बस और कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ट्विटर ये क्यों कर रहा है, तो क्लियर है वो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस वन कर दीजिएगा फटाक से। ठीक है, हाँ प्लस वन कर देंगे तो मुझे भी सही रहेगा कि हाँ आप लोगों को क्लियर है। प्लस 10, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, और अगर हम ट्विटर की बात कर लें तो ट्विटर के सीईओ कौन है, मिस्टर जैक डोर्से। हेडक्वार्टर कहां पे है? सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएस, और ट्विटर वर्ल्ड लिमिट 280 करेक्टर, तो ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे गाइस, और बात करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आपको हम थोड़ा रिविजन पॉइंट दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्स गूगल सीएफओ मिस्टर पैट्रिक पिस्टे ये न्यू चेयरमैन बने हैं ट्विटर बोर्ड के। ठीक है, विद 7.45 लाख फॉलोअर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मोस्ट पॉपुलर अमंग द सेंट्रल बैंक ऑन द ट्विटर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ट्विटर अकाउंट ऑफ पीएम मोदी ऑफिशियली वेबसाइट वॉज हैक्ड। नंबर 3, द हैकर हैज बीन आइडेंटिफाई एज द जॉन विक मूवी का नाम है, आप लोगों ने शायद मूवी देखी होगी। एंड ट्विटर इनकॉर्पोरेशन अपॉइंटेड रिंकी सेठी एज द न्यू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हेड। न्यू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हेड, ये भी हमने आपको बता दिया। ठीक है गाइस, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी है, हम आगे बढ़ेंगे, और आप लोगों ने देख लिया पूरी न्यूज, प्लस वन कर दीजिए। अगर आपने पूरा रिवीजन पॉइंट देख लिया तो प्लस वन कर दीजिए। वो सारे बच्चे जो हमें नए ज्वाइन कर रहे हैं और मेरे स्पीड से मिसमैच हो जा रहे हैं, तो मैं रुक रहा हूं आपके लिए। ठीक है, आराम से आप देख लो, प्लस वन कर दो, हम आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, तो प्लस वन, ऋतु शर्मा ने प्लस वन कर दिया, और बच्चे भी कर दें प्लस वन। तो हम आगे बढ़ते हैं गाइस, और आपको फिर से ले चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, और यहां पर हम स्टेट लेवल न्यूज की बात करेंगे, और बात करेंगे तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट रोल आउट 100% टैक्स एग्जम्पशन और ई व्हीकल। तो अगर आप तमिलनाडु में रहते हैं और ई व्हीकल खरीदते हैं तो आपको 100% टैक्स की छूट मिलेगी, मतलब आपको कोई रोड टैक्स नहीं देना है। एक बार पूरी न्यूज देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए, तो इन अ मेजर बूस्ट टू द एडॉप्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल इन द स्टेट, द तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज पास एन ऑर्डर फॉर 100% एग्जेम्पशन ऑफ द मोटर व्हीकल टैक्स, सॉरी नॉट रोड टैक्स, मोटर व्हीकल टैक्स फॉर बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल। तो अगर आप भी ई व्हीकल लेते हैं तमिलनाडु में, तो आपको मोटर व्हीकल टैक्स नहीं देना है, 100% छूट है इसमें।
बहुत अच्छी बात है। तो तमिलनाडु ने किया, तमिलनाडु ने मोटर व्हीकल टैक्स में 100% की छूट दे दी अपने स्टेट में अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो ये हम तमिलनाडु की बात कर रहे थे। लेकिन इसके पहले दिल्ली ने भी कुछ किया था, हम आपको रिविजन जरूर करवाएंगे। आप एक पॉइंट यहां पर देख लीजिए, आगे बढ़े गाइस, देखिए। तो दिल्ली गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल फ्रॉम रोड टैक्स, है ना। तो रोड टैक्स, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने रोड टैक्स में छूट दे दी थी पूरी, ठीक है। और अगर हम तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना लॉन्चेस इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, फुल एग्जेम्पशन इन द रोड टैक्स। यानी दिल्ली ने भी सेम टू सेम किया है और तेलंगाना भी सेम टू सेम किया है। तो दिल्ली और तेलंगाना में रोड टैक्स पर पूरी छूट है। लेकिन तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु ने कौन सा मोटर व्हीकल टैक्स में छूट दी है। तो एक पॉइंट ये आपके सामने हो गया, ठीक है, इसे भी हमें याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हुए गाइस, हम बात करेंगे आपसे यहां पे तमिलनाडु के कुछ नए प्रोडक्ट हैं। मतलब हमने पूरी लिस्ट आपको दी है जीआई टैग की, एक बार आप टैग को देख लीजिएगा। जैसे थंजावुर आर्टवर्क, इसको नया मिला है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और नया नया देख लेते कौन सा होगा, ठीक है। और मदुराई सोंगुड़ी, ये नया है, ठीक है। सलेम फैब्रिक, ये नया है आपका, इनको जीआई टैग मिला है। नए की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और आगे बढ़े, इसके अलावा गाइस हम बात करते हैं तो और नए में तो उतना नया कुछ नहीं है, ठीक है। ये है सिरुमलाई हिल बनाना, ये इसको मिला जीआई टैग, ठीक है। हमने पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी है, आप कुछ आपका मन पूरा पढ़ लेना, ठीक है। कोविल पट्टी कंडलाई मिठाई, ये हो गया, इसको नया जीआई टैग मिला है। थंजावुर पीठ वस्तु भी नया मिला है जीआई टैग। तो जो जीआई टैग नए मिले हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको हम दे रहे थे, आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस और आपसे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। और यहां पर हम एमओयूज एंड एग्रीमेंट की बात करेंगे और हम बात कर रहे हैं भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशंस और प्रसार भारती की। तो भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड प्रसार भारती के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। इस एग्रीमेंट से फायदा क्या होने वाला है वो हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन एक बात तो समझ लीजिएगा कि हमारे देश में एजुकेशन अब ऑनलाइन हो गया है और इसको अब कोई रोक नहीं पाएगा। कैसे, आप देखिए, यहां देखिए, तो प्रसार भारती और भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इंफॉर्मेशन, इनके बीच में एमओयू साइन हुआ है। इससे क्या फायदा होगा, अंडर द एमओयू ऑल द 51 डीटीएच एजुकेशन चैनल विल बी अवेलेबल ऑन द डीडी को ब्रांडेड चैनल्स टू ऑल डीडी फ्रेश डिश व्यूअर्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि डीडी चैनल पे अब 51 डीटीएच एजुकेशन चैनल्स आएंगे। मतलब अगर आप लोग डीडी फ्रेश डिश लगाते हैं, उसका यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपको जो पैकेज मिलेगा उसमें आपको 51 डीटीएच एजुकेशन चैनल भी मिलेंगे, 51। तो भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इंफॉर्मेटिक्स की बात करें और प्रसार भारती के बीच में इसीलिए एग्रीमेंट हुआ है। तो एक पॉइंट आपके लिए ये है, तो देख लीजिए 51 डीटीएच एजुकेशन चैनल की हम बात यहां पे कर रहे हैं। अच्छा, बच्चे गुस्साते होंगे कि ये कौन सी बात है यार, है ना। जैसे हम लोग बचपन में थे, तो बचपन में तुम्हारे माइंड में कभी आया है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, मेरे माइंड में हमेशा था यार ये पढ़ाई किसने बना दी, काश पढ़ाई ना होती। तो जो बच्चे हैं वो तो बच्चे ही हैं, तो वही भी सोचेगा ना यार, काश यार ये ऑनलाइन ना होता, है ना कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे नेक्स्ट पॉइंट की। इसके पहले गाइस, इफको और प्रसार भारती के बीच में भी एमओयू साइन हुआ था टू ब्रॉडकास्ट एंड प्रमोट न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इफको और प्रसार भारती के बीच में भी एग्रीमेंट साइन हुआ था कि जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है उसके बारे में टीवी पे दिखाया जाए ताकि किसान उसको देखें, समझे, सीखें, उसका यूज करें। प्रसार भारती के बारे में बात कर लेंगे गाइस, तो ये क्या है, देखो तो प्रसार भारती के चेयरमैन हैं डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश जी, इसके सीईओ हैं श्री शशि शेखर वेम्पाती जी और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। तो ये पॉइंट आपके सामने। चलिए आगे बढ़ते हुए देख लो भैया, प्रसार भारती के चेयरमैन डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश हैं, सीईओ शशि शेखर वेम्पाती हैं, हेडक्वार्टर दिल्ली में, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया पॉइंट, अभी भी आती है शुभम। आगे बढ़े और अब बात करेंगे एमओयू एग्रीमेंट में न्यूज नंबर 2 की। तो कुछ दिन पहले की बात है, इंडिया और स्पेन के बीच में एमओयू साइन हुआ था फॉर द कॉपरेशन इन द एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल विज्ञान, ठीक। इसको हमारे कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया। तो यूनियन कैबिनेट एमओयू बिटवीन इंडिया एंड द स्पेन इन एस्ट्रोनॉमी अप्रूव्ड। आइए बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द पीएम मोदी अप्रूव्ड द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन बिटवीन द इंडिया एंड द स्पेन। ये तो बढ़िया बात है,
मोदी जी साइन करते हैं पहले एमओयू, फिर कैबिनेट में चेयरमैनशिप करते हैं, आराम से अप्रूवल दे देते हैं। तो कैबिनेट चेयर्ड बाय द पीएम मोदी, इन्होंने अप्रूवल दे दिया है मेमोरेंडम ऑफ द अंडरस्टैंडिंग साइन बिटवीन द इंडिया एंड द स्पेन। किस लिए भैया? एस्ट्रोनॉमी के लिए। तो एक पॉइंट आपके सामने है, तो इंडिया स्पेन एस्ट्रोनॉमी, ध्यान देना बेटा। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ किस मुद्दे पर एमओयू साइन किया हुआ है, तो याद करना जरूरी है, इंडिया स्पेन एस्ट्रोनॉमी, इंडिया स्पेन एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे आपसे अबाउट स्पेन। तो स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है, आपको बताइए, एंड करेंसी यूरो है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए प्लस वन कर दो भाई लोग। इंडिया जापान इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टेक्सटाइल इंडिया कंबोडिया मशीन रिलेटेड। अच्छा, अच्छी बात है, प्लस वन प्लस वन, फटाफट चलिए आगे बढ़ते हुए गाइस। अब बात करते हैं रिवीजन पॉइंट की, देख लीजिए। तो अरविंद यार, तुम्हें केवल लॉकस्टार नहीं होना, हम भी हैं थोड़े से। तो इंडिया और डेनमार्क की बात करें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए भी एग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक है, इंडिया यूएई डिफेंस कॉपरेशन इनहेंस थ्रू द ज्वाइंट प्रोडक्शन। इंडिया यूएई के बीच में डिफेंस कॉपरेशन होगा इनहेंस थ्रू ज्वाइंट प्रोडक्शन, वेरी गुड। एंड एमओयू साइन बिटवीन इंडिया एंड द फिनलैंड फॉर द कॉपरेशन ऑफ द फील्ड ऑफ द जियोलॉजी एंड द मिनरल रिसोर्सेज। इंडिया फिनलैंड जियोलॉजी एंड द मिनरल रिसोर्सेज, इसी में ऐड कर दो। इंडिया जापान तो टेक्सटाइल के लिए है ना, इंडिया इसराइल फॉर द मैन टू मैन कल्चर रिलेशन के लिए, मैन टू मैन कल्चरल रिलेशन के लिए, याद है ना, पढ़ाया है सभी सब। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं और देख लो यहाँ पे इंडिया नाइजीरिया, लो लो इंडिया नाइजीरिया एमओयू टू डीपन कोऑपरेशन टू काउंटर टेररिज्म इंसर्जेंसी एंड द पायरेसी। इंडिया नाइजीरिया, इंडिया एंड द मालदीव, तो यहाँ पे तो होता ही रहता है ना। फॉर साइंड एन एग्रीमेंट फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज इन कैपिटल माले। ठीक है, और इंडिया ने इसके लिए 20 मिलियन का ग्रांट भी दिया था, 20 मिलियन का ग्रांट भी दिया था। ठीक है, तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया, आगे बढ़ेंगे गाइस और अब बात करेंगे। एक बार देख लो पूरी न्यूज़, देख लो आराम से, प्लस वन कर दो। मैं फिर से स्लाइड दिखा दे रहा हूं। इंडिया डेनमार्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंडिया यूएई तो डिफेंस कोऑपरेशन एनहांस थ्रू जॉइंट प्रोडक्शन, एमओयू साइन बिटवीन इंडिया एंड द फिनलैंड फॉर द जियोलॉजी एंड द मिनरल रिसोर्सेज। और देख लो इंडिया नाइजीरिया एमओयू टू डिपेंड कोऑपरेशन टू काउंटर टेररिज्म इंसर्जेंसी एंड पायरेसी, इंडिया एंड द मालदीव फॉर द इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज इन कैपिटल माले अंडर अ ग्रांट असिस्टेंट ऑफ द अराउंड 20 मिलियन। ठीक, चलिए तो यहां तक बच्चे बोल रहे हैं कि प्लस वन है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं गाइस और आपसे बात करते हैं समिट मीटिंग और डायलॉग की। समिट मीटिंग डायलॉग में गाइस अगर हम बात करें तो आपको पता है कि कोविड-19 में क्या हुआ। कोविड-19 में ऐसे इंडियन प्रोफेशनल्स जो कि फॉरेन में रह रहे थे वो अपने देश में वापस आ गए, लेकिन अब काम करने के लिए वापस नहीं जा पा रहे, और स्पेशली गल्फ कंट्रीज में। तो इंडिया ने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ एक मीटिंग की, डायलॉग किया, और इसको लीड किया हमारे देश के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने। और इंडिया ने गल्फ कंट्री से रिक्वेस्ट किया है कि जो भी प्रोफेशनल्स थे हमारे जो आपके यहां काम कर रहे थे अब उनको वापस आने दीजिए। आइए बात करते हैं इसके बारे में। देखिए तो इंडिया एंड द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ट्रोइका हेल्ड एन एनुअल पॉलिटिकल डायलॉग। तो भारत और खाड़ी सहयोग परिषद ट्रोइका ने वार्षिक राजनीतिक वार्ता आयोजित की है। इंडिया को रिप्रेजेंट किया हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने। तो बेसिकली इंडिया का मुद्दा क्या था, हम उसकी बात कर लें, ध्यान देना, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ट्रोइका, ये पूरा नाम है। ठीक, तो इंडिया ने क्या बात बोली है वो देख लीजिए यहां पे। तो ड्यूरिंग द डायलॉग इंडिया रिक्वेस्टेड द मेंबर ऑफ द जीसीसी टू ईज द रिटर्न ऑफ द इंडियन प्रोफेशनल्स एंड वर्कर्स टू द गल्फ कंट्रीज। याद रखिएगा जो हमने बताया आपको, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अबाउट द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की बात कर लें, इसको 1981 में बनाया गया और इसका हेडक्वार्टर रियाद सऊदी अरेबिया में, रियाद सऊदी अरेबिया। इस गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में 6 कंट्री हैं बेसिकली, और कौन कौन से हैं, वो बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरेबिया है और यूएई है। तो जिसमें से यूएई की बात कर लें और बहरीन की बात कर लें, इन दोनों ने अभी अभी इसराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड साइन किया है। यानी मुझे लगता है ना गाइस कि ये जो 4 और बचे हैं ना, कुवैत, ओमान, कतर एंड सऊदी अरेबिया, तो अगर हम कतर को छोड़ दें तो ये सारे देश भी जल्दी जल्दी अब इसराइल से अपने डिप्लोमेटिक टाइस बना लेंगे। अच्छा, फिलहाल तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे है बेसिकली, तो रियाद में है, और इसके सुप्रीम काउंसिल प्रेसिडेंसी किसके पास है, यूएई के पास है अभी राइट नाउ। ठीक है, चलिए आगे। आशीष या हमेशा, ओहो
पढ़ाई पर ध्यान दो भाई, कुछ नहीं फायदा है उन सब में जिस पे तुम सोच रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट बुक्स एंड ऑथर की बात करेंगे। एंड बुक्स एंड ऑथर में हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, एम्स डायरेक्टर की। नाम मैं आपको आगे बताऊंगा। एम्स डायरेक्टर और इनके दो सहकर्मी, तीन लोग ने एक बुक में लिखी है, टिल वी विन। मतलब इंडिया में कोविड 19 पर क्या एक्शन लिया गया, कैसे काम हुआ, कोविड 19 वाली बात ही होगी यहाँ पे। टिल वी विन, बुक ऑन कोविड 19 बाय द एम्स डायरेक्टर टू हिट स्टैंड दिस मंथ। आइए बात करते हैं इसके बारे में। देखिए एक नई बुक आ रही है एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया की, रणदीप गुलेरिया। इनके साथ दो और डॉक्टर भी हैं जिन्होंने बुक लिखी है। बुक का नाम क्या है, पहले आप रणदीप गुलेरिया का नाम याद कर लीजिए, ये एम्स के डायरेक्टर हैं। इनकी बुक का नाम क्या है, इनकी बुक का नाम है टिल वी विन। टिल वी विन हैज बीन को राइटेड बाय द, अब दो लोग और हैं, चंद्रकांत लहरिया और गगनदीप कांत। तो तीन लोगों ने बुक ये लिखी है मिलकर। तो एक लोग कौन थे भैया, डायरेक्टर ऑफ द एम्स रणदीप गुलेरिया, और दो लोग और कौन है आपके नाम सामने। तो इन्होंने मिलकर बुक लिखी है, बुक का नाम है टिल वी विन, और इसको पब्लिश करेगा पैंगविन रैंडम हाउस, पैंगविन रैंडम हाउस। ठीक है, तो आपके सामने एक पॉइंट और भी है। ठीक है, इतना गाइस क्लियर। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हुए आपको थोड़ा सा बुक का हम रिविजन कराना चाहेंगे। ठीक है, बापू द अनफॉरगेटेबल, इस बुक को रिलीज किया था हैंडसम मनीष सिसोदिया ने, जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर है किसके, दिल्ली के। अच्छा, आप लोगों को पता मैं हैंडसम क्यों बोलता हूं, तो उसमें जब चुनाव हो रहे थे 19 में, तो उसमें दिल्ली में एक पर्चा बट रहा था इसके जो मरलिना नहीं उनके उनके खिलाफ में, और गौतम गंभीर के आरोप थे, तो उसमें लिखा था हैंडसम मनीष सिसोदिया, दैट्स व्हाई वो मुझे याद हो गया। अच्छा, डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ द असम, तो ये पदम पानी बोरा ने लिखा है। द खालिस्तान कॉन्स्पिरेंसी, जीबीएस सिद्धू। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर बी श्रैंक द ड्रैगन, प्रदीप गोरा। और नेक्स्ट है थरूरोसरस, ये लिखा है शशि थरूर ने, ये बुक लिखी है। ठीक है, तो ये आपके सामने है। ठीक है, देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आई थिंक सर अब मूवी भी बनाएंगे हमारे बॉलीवुड वाले। हाँ बनाएंगे मूवी, किसकी, कौन सी मूवी बनाएंगे, इस बुक्स पर। हाँ बना सकते हैं कोविड 19 पर, क्यों नहीं। और कोविड 19 पर पहले भी मूवी आ चुकी है, हमारे देश में नहीं आई है। आप चाहो तो सर्च कर लेना, बिल्कुल सेम चाइना से वायरस शुरू होता है, बिल्कुल सेम मूवी आई है। मुझे लग रहा जिसने भी ये प्लान किया था उसने प्लान ये मूवी देख के किया था। उसका नाम भी नोवेल करके है, नोवेल NOBEL कुछ है, आप चाहे तो सर्च करना, यूट्यूब पर मिल जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, और द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, ये भी लिखा है मिस्टर शशि थरूर जी ने। पोर्ट्रेट ऑफ पावर, एनके सिंह, देख लो, एनके सिंह 15th फाइनेंस कमीशन चेयरमैन। नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स, सरप्रीत सिंह। एंड बाय बाय कोरोना, तो प्रदीप श्रीवास्तव, ये देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, कोरियन मूवी है शायद, हाँ हाँ बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं गाइस। और अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट चीज की, तो IIT मद्रास की बात करेंगे। तो IIT मद्रास डेवलप IITM कोविड गेम। भाई कहते नहीं कि बहती गंगा में सब हाथ धोते हैं, तो सब हाथ धो रहे हैं कोविड 19 में, सब हाथ धो रहे हैं। तो IITM कोविड गेम लॉन्च किया है IITM ने, मतलब मद्रास ने, टू क्रिएट अवेयरनेस। आइए बात कर ले इसके बारे में। देखिए तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, इन्होंने एक गेम लॉन्च किया है IITM कोविड गेम, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द कोविड 19 वायरस अमंग द जनरल पब्लिक, पार्टिकुलरली चिल्ड्रेन। ठीक है, तो आपको ये मालूम चल गया, आपके सामने है। तो कौन सी हम गेम की बात कर रहे हैं, IITM कोविड गेम अवेयरनेस फैलाने के लिए है, और ये IIT मद्रास ने लॉन्च किया, तो एक पॉइंट ये। ठीक है, इसके पहले फिंड, FIND, फिंड ने भी कोविड 19 को लेकर एक गेम लॉन्च किया था ना, याद है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं गाइस, और अब बात करते हैं आपसे यहाँ पे अर्लियर लॉन्च गेम टू कोरोना। तो देखो यहाँ पे फिंड की बात कर ले, फिंड ने एक हाइपर कैजुअल गेम लॉन्च किया था, सोशल दूरी। तो फिंड ने सोशल दूरी गेम लॉन्च किया था। हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन हैज लॉन्च एन इंटरेक्टिव फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड गेम ऑन कोविड 19 द कोरोना फाइटर। तो दो गेम तो ये है हमारे, एक कोरोना फाइटर और एक सोशल दूरी। तो दो गेम के बारे में हमने आपको और इन्फॉर्मेशन दे दी है। ठीक है, चलिए तो ये दो गेम के बारे में हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, और अब डिफेंस की बात करेंगे। और डिफेंस में आपने गाना सुना है, जिसका था मुझे इंतजार वो घड़ी आ गई। हाँ, तो वो देख लीजिए, इंडिया यूएस जापान ऑस्ट्रेलिया किक स्टार्ट मालाबार नेवल एक्सरसाइज 2020 इन द बे ऑफ बंगाल। एग्जैक्टली में ये मालाबार एक्सरसाइज जो है ये जापान, इंडिया और यूएस के बीच में होता था। लास्ट टाइम 2007 में, 2007 में ऑस्ट्रेलिया इसका पार्ट बना था, लेकिन फिर
भाई जहां पे चार बर्तन होते हैं वहां पे टकराने के बाद होगी होगी, फिर कुछ लड़ाई लड़ा हो गया और अब जाके ऑस्ट्रेलिया ने फिर से ज्वाइन किया। तो इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने मालाबार एक्सरसाइज शुरू कर दिया है, कहां पे? बे ऑफ बंगाल में। लेकिन दोस्तों ये मालाबार एक्सरसाइज दो फेज में होगी, एक फेज में कहां दिख रहा है? बे ऑफ बंगाल, और दूसरा फेज कहां पर होगा? अरेबियन सी में होगा। आइए बात करते हैं आपको इसके बारे में, ठीक है? देखिए यहां, द नेवी ऑफ इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने 4 दिन का, 4 दिन का मालाबार नेवल एक्सरसाइज शुरू कर दिया है, कहां पर? बे ऑफ बंगाल में। गाइस गाइस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आएगा जरूर, मालाबार नेवल एक्सरसाइज कहां पर? बे ऑफ बंगाल में। इंडिया की तरफ से कौन कौन से शिप ने पार्टिसिपेट किया? रणविजय, शिवालिक, सुकन्या, शक्ति एंड सिंधुराज। देखो भैया, रणविजय, शिवालिक, सुकन्या, शक्ति एंड सिंधुराज, इन्होंने इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया है। ये पॉइंट आपको ये भी याद रखना है, ठीक है? आगे बढ़े और आपको और पॉइंट दिखाते हैं। द फेज वन ऑफ द एक्सरसाइज विल बी हेल्ड फ्रॉम द नवंबर 3 to 6, वाइल द फेज टू इज द स्केड्यूल टू बी हेल्ड फ्रॉम द नवंबर 17 to 20 इन द अरेबियन सी। मैं जो आपसे बोल रहा हूं, तो 3 से 6 नवंबर जो एक्सरसाइज कहां चलेगी? बे ऑफ बंगाल में चल रही है, ठीक? और आपका 17 to 20 कहां चलेगी? अरेबियन सी में चलेगी। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि दैट द मेंबर नेशन ऑफ द क्वाड कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन द एक्सरसाइज टुगेदर आफ्टर 2007। तो 2007 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि चारों देश मिलकर ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो आपके सामने पूरी इंफॉर्मेशन हमने आपको दिखा दी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यहां पर अबाउट मालाबार एक्सरसाइज, तो मालाबार एक्सरसाइज जो है ये स्टार्ट हुआ था 1992 में, और बेसिकली ये इंडियन नेवी और द यूएस नेवी के बीच में होता था। बाद में जापान इसका बन गया परमानेंट मेंबर, कब से? 2015 से। ये याद रखना, तुम्हारे एग्जाम में डीप में क्वेश्चन बनते हैं, तो क्वेश्चन मालाबार पर बनेगा, तो ये बन सकता है कि जापान इसका कब से पार्ट बना? 2015 से। तो 1992 में शुरू हुआ और जापान 15 से ज्वाइन किया, ठीक है? तो एक पॉइंट आपके सामने ये भी था। चलिए अब यहां पर आपको हम रिविजन जरूर कराएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन आर्मी एंड महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस ऑर्गेनाइज एन एंटी टेरर एक्सरसाइज सुरक्षा कवच, आपको मैंने पढ़ाया ये पॉइंट। इसके अलावा 2 दिन का कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच, ये इंडियन नेवी और द कोस्ट गार्ड के बीच में हुआ था, पढ़ाया मैंने ये भी आपको। सेकेंड इंडिया बांग्लादेश बायलेटरल नेवी एक्सरसाइज बोंगो सागर, ये कहां पर हुआ था? बे ऑफ बंगाल में, सेकेंड एडिशन, याद रखिएगा। इंडिया और रशिया ने अपना इंद्र एक्सरसाइज कंप्लीट किया नेवी का, कहां पे? अंडमान सी में किया, और अंडमान सी में जो कि मतलब स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का बेसिकली साउथ चाइना सी को हिंद महासागर से जोड़ता है, ठीक है? और देख लीजिए, ईरान मिलिट्री ने भी एक एक्सरसाइज किया था, जोल फगाहर 99। इंडियन नेवी ने पैक्सेक्स किया एक्सरसाइज, किससे? ऑस्ट्रेलिया के साथ और जापान के साथ और यूएस के साथ, तो पता ही हमको, इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये पॉइंट हमने आपसे बात कर लिए गाइस, हम आगे बढ़ेंगे और आपसे बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज की, जो कि आपके सामने आ रही है, डिफेंस न्यूज नंबर 2। और यहां पर हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड शिप C452 टू बी कमीशन इन द इंडियन नेवी। तो भारतीय तटरक्षक जहाज C452 को भारतीय नेवी में शामिल किया गया है, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप C452। आइए बात करें इसके बारे में। देखिए, तो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप C452 डिजाइन एंड बिल्ट बाय द लार्सन एंड टुब्रो is to be commissioned in the Indian Navy. तो इसे किसने बनाया है? L&T ने। तो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये भी हमारे पास है जो हमने आपको दे दी है, देख लीजिएगा, ठीक है? क्लियर गाइस? सौम्या जी गुड मॉर्निंग, बट गुड मॉर्निंग 6:30 पे बोलिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग, केवल आपको इंडियन कोस्ट गार्ड शिप का नाम देखना है, C452, L&T ने इसे बनाया और ये इंडिया इंडियन नेवी में शामिल हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं गाइस। और यहां पर इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। इंडियन कोस्ट गार्ड जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करती है, ये भी एक आर्म फोर्स है हमारे देश में, जो कि हमारे देश में हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है। 1978 में इसको बनाया गया था अंडर द कोस्ट गार्ड एक्ट 1978, और इसके लिए प्रॉपर एक कमेटी बनी थी। कमेटी का नाम क्या है? रुस्तम जी कमेटी। तो रुस्तम जी कमेटी के रिकमेंडेशन पे हमारे देश में इंडियन कोस्ट गार्ड को बनाया गया था 1978 में, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करती है। तो एक पॉइंट हमने ये भी आपको दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन रिवीजन के, जैसे फॉर एग्जांपल गाइस, रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड लॉन्चेस L&T बिल्ट ऑफशोर पेट्रोल वेसल विग्रह। तो विग्रह भी L&T ने बनाया, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें गाइस, तो
राजनाथ सिंह जी ने कमीशन किया था इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सचेत एंड टू इंटरसेप्टर बोट C450 एंड C451 इन गोवा। और इसका नाम क्या है जी, देख लो एक बार फिर से, C452। ये कौन सा है? C452। और इसके पहले की बात देख लो, यहां पे इसके पहले की बात करें तो C450 एंड C451 पहले ही हमारे ये डिफेंस में शामिल हो चुका है। ठीक है, तो ये याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें यहां पर, तो हम बात करेंगे इनहेंस वर्जन ऑफ द पिनाका रॉकेट सक्सेसफुली टेस्ट फायर बाय द DRDO। तो DRDO ने पिनाका रॉकेट का, रॉकेट के मतलब इनहेंस वर्जन का परीक्षण किया। आप देख लो यहाँ पे पिनाका रॉकेट का मतलब क्या होता है, तो ये बेसिकली क्या होते हैं, ये रॉकेट लॉन्चर्स हैं, रॉकेट्स हैं मतलब बेसिकली। आइए बात करें इसके बारे में क्या क्या पॉइंट है। देखिए, एन एडवांस वर्जन ऑफ द पिनाका रॉकेट सिस्टम डेवलप बाय द DRDO हैज बीन सक्सेसफुली टेस्ट फायर। अब ये एडवांस वर्जन का मतलब इसकी इसकी रेंज बढ़ाई गई है। रेंज कितनी हो गई है मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। द रॉकेट वॉज द सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ऑफ द कोस्टा ओडिशा। यानी कि पिनाका के एडवांस वर्जन का परीक्षण DRDO ने किया, हम मान रहे हैं, लेकिन कहां पर किया, कहां पर किया वो समझना है हमें। तो कहां पर किया, तो ये इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर में किया। तो एक पॉइंट आपके सामने ही है, ठीक है। 800 किलोमीटर नहीं है जी अंकिता मित्तल, तुम बर्बाद कर दोगे चाइना पाकिस्तान को। देखो, द एडवांस वर्जन ऑफ द पिनाका रॉकेट विल बी रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग पिनाका MK1 रॉकेट। और ये क्या है, इसका नाम हो जाएगा पिनाका MK2, MK2 रॉकेट इसका नाम हो जाएगा एडवांस वर्जन का, ठीक है। आइए बात करते हैं, तो ये पिनाका MK1 को रिप्लेस करने वाला है। आइए देखिए यहां पे, तो पिनाका रॉकेट आर द नेम आफ्टर द बो ऑफ द लॉर्ड शिवा। पिनाका नाम था हमारे महादेव जी के धनुष का, दुनिया में सबसे खतरनाक धनुष की बात हम करें तो। आप बोलेंगे गांडीव भी था, गांडीव भी था जो अर्जुन जी के पास था, लेकिन पिनाका शंकर जी के पास अपने पास रखते थे। दे आर पार्ट ऑफ द मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम विच आर ऑलरेडी इन द इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, ठीक है। तो ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, मतलब कई सारे बैरल्स हैं। बैरल्स का मतलब दीपावली पर एक पटाखा हम बजाते हैं ना, कई सारे बैरल्स होते हैं, ऊपर जाके फूटता है वो, इसमें कई सारे बैरल्स होते हैं जो हमला करते हैं। द सिस्टम हैज अ मैक्सिमम रेंज ऑफ द 40 किलोमीटर ऑफ द मार्क 1 एंड द 75th फ्रॉम द मार्क 2, ठीक है। क्यों तुम हंस रहे हो इतना जी, अच्छा वो बर्बाद करने वाली बात। तो 75 किलोमीटर कहाँ कहाँ, 800 किलोमीटर, ठीक है बेटा अंकिता। मैं समझता हूँ कि हमारे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन धीरे धीरे होता है ना कुछ। आओ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। गुड मॉर्निंग एडवर्ड जी, गुड मॉर्निंग, आप ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सुबह 6:30 बजे आइए, मॉर्निंग 6:30 ब्रो। देखो यहाँ पे आगे बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, और स्पोर्ट्स में हम लोग बात करेंगे रुबलेव की। रुबलेव क्लेम्स 5th टाइटल ऑफ द 2020 इन द वेना। तो ये एक टेनिस प्लेयर है, नाम से लग रहा कि ये रशिया से बिलोंग करते होंगे, जी हाँ। और इन्होंने 2020 का अपना 5वां टाइटल जीत लिया है वेना में। अब वेना में रुबलेव जी ने कौन सा इवेंट जीता है, आइए बात करते हैं इसके बारे में। देखिए रशियन है ये, मैंने क्या बोला था, ऑन्ड्रे रुबलेव। इन्होंने लोरेंजो सोनेगो को हराया और ईस्ट बैंक ओपन टाइटल जीता कहां पे, वियना में। और इस साल का ये 5वां टेनिस टाइटल था। तो गाइज ये जो आप देख पा रहे हैं यहां पर, जो आपको यहां पे दिख रहा होगा ईस्ट बैंक ओपन, ये एक टेनिस टूर्नामेंट है, और इसको जीता ऑन्ड्रे रुबलेव ने, जो रशिया से बिलोंग करते हैं। और द 23 ईयर ओल्ड इज नाउ टाइड विद द वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविक अलोंग एटॉप द 2020 मैच विंस लीडर बोर्ड विद 39। आइए मैं आपको दिखाता हूं पूरी पॉइंट यहां पे क्या है। देखिए यहां पे, देखिए 2020 का मैच विंस लीडर बोर्ड टोटल, अगर मैचेस की बात करें तो जोकोविक ने 39 जीते हैं पूरे, और ऑन्ड्रे रुबलेव ने भी 39 जीते हैं। पांचवें टाइटल का मतलब क्या होता है, पांचवें टाइटल का मतलब, या आप यूएस ओपन की बात करें, फ्रेंच ओपन की बात करें, तो एक गेम तो होता नहीं है, आपको पहले नॉर्मल लीग मैच खेलने होते हैं, देन क्वार्टर फाइनल, देन सेमीफाइनल, देन फाइनल। तो पूरा मिला जुला के नोवाक जोकोविक ने इस बार 39 मैच खेले हैं, और 39 मैच ऑन्ड्रे रुबलेव ने भी खेले हैं, तो इन्होंने बराबरी कर दी एक तरह से, ठीक है। तो एक पॉइंट आपके सामने, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर डेनमार्क ओपन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, मैंने कुछ दिन पहले आपको पढ़ाया था। तो डेनमार्क ओपन की बात करें तो मेन सिंगल जीता किसने, ऑन्ड्रेस एंटोसेन ने, और वुमेन सिंगल नाजोमी ओखुरा ने जीता है, लेकिन यह बैडमिंटन का टूर्नामेंट है, ठीक है। डेनमार्क ओपन एक बड़ा इवेंट है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंच ओपन की बात करें, टेनिस का मेन सिंगल राफेल नडाल, और वुमेन सिंगल तो इनका नाम देखो बड़ा अच्छा सा है, ईगा स्वैक, ठीक है। तो ये जीता है, ठीक।
और अगर आगे बात करें गाइस, ऑस्ट्रेलियन ओपन मैन सिंगल जोकोविक, वुमेन सिंगल सोफिया कैनन, इन्होंने जीता है, ठीक है। यूएस ओपन की बात कर ले, डोमिनिक थीम ने मेंस ओपन मेन सिंगल और नॉमी ओसाका ने वुमेन सिंगल जीता है। तो आपके ये टेनिस के हैं ये सब, ठीक है, आपके सामने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, इटालियन ओपन नोवाक जोकोविक एंड सिमोना हैलेप ने, तो ये पॉइंट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं एक्स्ट्रा लाइट में न्यूज नंबर 1 की बात करेंगे, तो महाराष्ट्र स्कूल टू सेलिब्रेट नवंबर 8 to 14 एज द चिल्ड्रन वीक। क्यों भाई, 14 नवंबर को हम लोग चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, तो 8 से लेकर 14 नवंबर तक महाराष्ट्र के स्कूल जो है वो चिल्ड्रंस वीक मनाएंगे। आइए बात करते हैं, ठीक है। तो नवंबर 14 द महाराष्ट्र स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज आस्क्ड स्कूल इन द स्टेट टू सेलिब्रेट चिल्ड्रंस वीक बिटवीन द नवंबर 8 to 14, यानी महाराष्ट्र स्टेट 8 से लेकर 14 नवंबर तक को चिल्ड्रंस वीक के रूप में मनाएगा, आपके सामने की इंफॉर्मेशन। चलिए आगे बढ़ेंगे गाइस और बात करते हैं न्यूज नंबर 2 की, तो बिहार के अब तक के सबसे कम टाइम के लिए चीफ मिनिस्टर 5 दिन के लिए बस, सतीश प्रसाद सिंह जी का निधन हो गया कोविड-19 की वजह से और 87 साल की अवस्था में। देखिए यहां तो हम किसकी बात कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट सर्विंग फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बिहार सतीश चंद्र प्रसाद, 5 दिन के लिए बने थे ये 1968 में, इनका निधन हो गया है कोविड-19 की वजह से। तो ये पॉलिटिशियन थे। न्यूज नंबर 2 हमारे पास एक्स्ट्रा लाइट की। न्यूज नंबर 3, ओडिशा बैन सेल यूज ऑफ द फायर क्रैकर फ्रॉम द नवंबर 10 to 30, मतलब ओडिशा भी राजस्थान की यहां पे चल निकला है और ओडिशा ने भी नवंबर 10 से लेकर 30 तक पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है ओडिशा में। तो एक पॉइंट आपके सामने ये था, ठीक है, इसके पहले राजस्थान ने लगाया था, आपको पता ही है। अब हम बात करेंगे अपने एमसीक्यू रिवीजन की, मेरे क्वेश्चंस आपके आंसर, क्वेश्चन मेरे कोई नए नहीं है, कल मैंने जो पढ़ाया था उस पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, केवल ये देखने के लिए कि आपको चीजें याद है कि नहीं याद है, आप लोग बच्चे हैं, मन के सच्चे हैं, भूल जाते हैं चीजें। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम द ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट, तो किसने अभी सारे प्रारूप से संन्यास ले लिया, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, इनका नाम क्या है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है शेन वॉटसन, ऑप्शन नंबर डी, शेन वॉटसन ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑथर्ड द बुक पैंडेमोनियन द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी, मैंने पढ़ा था कल आपको, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा तमाल बंदोपाध्याय, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। What is the amount released by the central government as the first installment to 15 states for improvement of air quality? For improvement of the air quality, we have 5 options and the right answer is 2200 crore, option number C. 2200 crore, option number C is right answer. Next point. T.N. Krishnan, who passed away at 92, was a legendary. So, ye kya the? Producer the, writer the, director the, violinist the, creator the, kya the ye? What is the answer? Aur answer ki baat kar le, answer is ये वायलिन में आते थे, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग उत्सव हैज रिसेंटली बिगन वर्चुअली विद कोविड-19 प्रिकॉशंस एंड विल कंटिन्यू टिल नवंबर 4th, वी हैव 5 ऑप्शंस, व्हाट इज द आंसर, एंड द राइट आंसर इज गंगा उत्सव, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग नोटेड राइटर्स हैज बीन सिलेक्टेड फॉर दिस ईयर्स एजुथ चानम पुरस्कारम द केरला गवर्नमेंट हाइएस्ट लिटरेरी ऑनर, वी हैव 5 ऑप्शंस, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा पॉल जिसारिया, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। विच एजेंसी हैज रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद द एमएनआरई फॉर सेटिंग की टारगेट फॉर ईयर 2020-21, व्हाट इज द आंसर, इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। अगर आपने हमारा पीडीएफ पढ़ा होगा तो उसमें यह इंफॉर्मेशन थी एक्स्ट्रा। नेक्स्ट वन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, वी हैव 5 ऑप्शन, व्हाट इज द आंसर, आंसर की बात कर लें, आंसर इज ड्यूआर्टे पाचेको, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा मिस्टर Chief Justice of India S.S. Bobde along with the Justice D.Y. Chandrachud of the Supreme Court inaugurated the first ever e-resource center and virtual court for the traffic and the transport to enable, मैंने कल पढ़ा था, न्याय कौशल university, दिख नहीं रहा मुझे, न्याय कौशल, and the right answer is Nagpur, option number B, Nagpur option number B is right answer. Next point, India's first solar powered miniature train has recently been launched in which of the following state, कौन से स्टेट में, तो स्टेट तो केरला है हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट पॉइंट, विच बैंक हैज एक्वायर्ड 19.002% शेयर इन द मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी? मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एंड वी हैव फाइव ऑप्शन, आपको पता है इसका आंसर एक्सिस बैंक का ऑप्शन नंबर डी. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेवल शिप हैज रिच पोर्ट सुडान एज पार्ट ऑफ द मिशन सागर फेज टू? मिशन सागर फेज टू, वी हैव फाइव ऑप्शन. वेली, हाँ, आंसर इज आई एन एस एरावत, ऑप्शन नंबर ई. इंडियन बॉक्सर अमित पंगल, संजीत एंड आशीष कुमार रिसेंटली वॉन गोल्ड एट द एलिएक्स वेस्ट वैलेंटाइन इंटरनेशनल. द टूर्नामेंट वॉज हेल्ड इन विच कंट्री? मयंक चौकसी, बहुत मार खा जाओगे. एंड द राइट आंसर इज फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी. द सेंटर हैज एक्सटेंडेड द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम टिल नवंबर 30th. द अमाउंट सैंक्शन टारगेट अंडर द स्कीम इज हाउ मच? लाख करोड़ रुपीज. एंड द आंसर इज 3 लाख करोड़ रुपीज, ऑप्शन नंबर बी. वॉट इज द एक्सटेंडेड टाइम लाइन फॉर विच ऑफ द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम? वी हैव फाइव ऑप्शन. Answer is 30th November 2020, option number B. 30 November 2020. The Chief Minister of which state has laid the foundation stone of Indo-Israeli Center of Excellence for Vegetable Protected Cultivation? And the answer is Assam, option number C. Who among the following has won the third straight MMA title in Singapore? Answer is Ritu Fogart, option number E. Who has won the Amit Lehi Award for 2020? And the answer is Dinesh Katari, option number D is right answer. Which institution has signed an MOU with the IOCL for hydrogen generation technology? Indian Oil ki baat ho rahi hai. Answer is IISc Bengaluru, option number E is right answer. To develop the sports infra, MOU has been signed between the SAI and the government of which state? Answer is Arunachal Pradesh, B. चलिए, thank you so much guys, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे फिर, और खूब अच्छे से पढ़िए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. थैंक यू सो मच. हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करिए और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करिए. थैंक यू सो मच.